बता दे हमारे साथ देखिए, पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था इनका, पूरा जोश उमंग के साथ घूम रहे हैं आप, एकदम पूरा समर्थन मिल रहा है जनता का। हाँ, आप अली नगर गए हैं, अली नगर में बीजेपी के विधायक थे जो आप सदा आपके तरफ आ गए हैं, शायद आपका सपोर्ट कर रहे हैं क्षेत्र में। ललित यादव विकास पुरुष हैं, विकास के लिए कोई भी जनता चाहेंगे जो हमको क्षेत्र में विकास होना चाहिए, जान रहे हैं। हम तो उस दिन भी आपको कहे हैं जो 6 बार से लगातार MLA हैं, अपना तारडी से 3 बार, मनीगाछी से 3 बार और दरभंगा ग्रामीण से 3 बार, अगर ललित यादव अगर विकास का काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं रहते, जनता के दिल में नहीं रहते, तो ललित यादव को जनता ने माथा पर नहीं रखते, पटक देते, 1 बार से 2 बार से 3 बार नहीं जीतने देते। 6 बार अगर जीते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं, इसीलिए जीत रहे हैं। और इस बार देख रहे हैं आप जन समर्थन जनता का, जो भाई ललित यादव जब 6 बार अपना क्षेत्र का विकास किया तो इस बार जिला का विकास करेंगे। यहाँ सभी सहनी हैं, ये सभी सहनी कह रहे हैं कि ललित यादव को, ये सभी सहनी हैं यहाँ पर, हमने अभी लिया है सबका इंटरव्यू, कह रहे हैं कि सब ललित यादव हैं, ललित यादव पर विश्वास है कि मुकेश सहनी के साथ मिलकर आरक्षण के लिए वो काम करेंगे, एकदम करेंगे और मैंने विकास का काम करेंगे। सब लोग जो हैं, हम लोग जानते हैं, जब जितना मैं नया जुड़ रहे हैं सब जान रहे हैं जो ललित यादव कैसे आदमी हैं, और ख़ास हम हैं उनकी पत्नी, खुद हम अपने घूम रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं जो हम अपने मैंने जनता के बीच में रहते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता को प्यार। एक महिला होकर के आपने उस दिन भी आपने कहा था कि एक महिला होते महिलाओं के रग को आप पकड़ती हैं कि आखिर महिला क्या चाहती हैं, क्या कमी है गांव में, महिला रह रही है उनकी क्या समस्या है। मोदी सरकार ने जो 5 किलो अनाज के नाम पर, उज्ज्वला योजना के नाम पर, कई तरह के आयुष्मान कार्ड के नाम पर वोट मांग रहे हैं, 5 किलो अभी ना मिल रहा है, उसके बाद क्या मिला? पहले तो मिट्टी तेल मिलता था, चीनी मिलता था, माचिस मिलता था, क्या नहीं मिलता था, 35 किलो अनाज मिलता था, अभी 5 किलो अनाज मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, क्या बात करते हैं आप? कुछ नहीं, पूछ ले, सिलेंडर का जो 400 था अभी 1200 है, गरीब जनता को आप मैंने 1200 में आप दीजिएगा, अभी आदत लगाइएगा, कमाएगा कितना, कमाएगा कितना जो 1200 का जब गैसे भराएगा तो खाएगा क्या? 5 KG अनाज देते हो ही खाएगा 1 महीना, सुन कहिए। तो देखिए, कड़ी मेहनत कर रही है, हम बता दें महिला के रूप में ललित यादव की पत्नी जो एक साथ कई क्षेत्रों में जा करके महिलाओं के बीच, देखिए एक बार दिखाइए चारों तरफ कितना भीड़ है यहाँ पर, जा दिखाइए, ये सभी अली नगर में कौन जगह, अंटौर गांव है, ये अंटौर गांव है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मुकेश सहनी ललित यादव के साथ है और मुकेश सहनी जो आरक्षण की मांग की है ललित यादव तेजस्वी यादव पूरा करेंगे, इसलिए यहाँ का निषाद का वोट भी ललित यादव को, देखते रहिए बिहार में चालू, धन्यवाद। वही मुकेश सहनी को BJP वाले ने आप देख लिए, विधायक तोड़ के उनको मंत्री पद कहाँ तहस नहस कर दिए, अभी भी इस बार भी उनको गला नहीं लगाए, लेकिन तेजस्वी ने गला लगा लिया, आप देख रहे हैं ना, फिर मैंने आप बता रहे हैं कि गला लगा लिया गया मिश्रीलाल यादव को, क्या मैंने गला लगाएंगे, RJD के लिए काम कर रहे हैं, हम तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन नहीं हम हाउस वाइफ हैं, हम बड़े नेता पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, समझे, हम तो मैंने अपना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं जनता मालिक से, जो भाई विकास पुरुष हैं और साथ साथ उनकी पत्नी हैं, हम सेवा में लगे रहते हैं जनता के बीच में, आप मैंने हम खुद अपने मेहनत करते हैं, हम भी आए हैं जनता मालिक के नज़दीक, जो भाई आप लोग सब एक होइए, मदद करिए, विजय बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग के नज़दीक आइए, तब मैंने नहीं अगर विकास का काम करेंगे तो फिर अगला 5 वर्ष, हम बता दें ललित यादव बात समझ लीजिए कि 6 बार ग्रामीण से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं,
इस बात को लेकर के इन्हें भी आशा है और जनता को भी आशा है कि ललित यादव जिस तरह ग्रामीण का विकास किए हैं उसी तरह दरभंगा लोकसभा के 6 विधानसभा का भी विकास करेंगे। हमारे साथ कुमार गौरव जी हैं जो देवर समाज के लगातार कार्य करते हैं। क्या हम तो आपको पहले भी कहे हैं कि सारा अति पिछड़ा ललित बाबू के साथ है और अति पिछड़ा समाज जब उलटता था तो समझते थे कि विरोधी कहता था कि जिन निकल गया, तो इस बार भी जिन निकल रहा है पूरे बिहार से और ललित बाबू 3 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। यही बात कह के हम आपसे 4 जून को मिलेंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार देखते रहिए बिहार न्यूज़। धन्यवाद।